Hello dear friend, assalamu alaikum, how are you? I hope you fine, I hope you keep enjoying my lectures, I hope you enjoy mathematics. Mathematics is not difficult, mathematics is too easy than as like other subjects. इसमें सिर्फ आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. इंटरेस्ट अगर नहीं होगा तो आपकी मैथमेटिक्स आपको बहुत ही बोरिंग और बहुत ही एक वेट लगेगा आपके ब्रेन पे. बट अगर आप इसको इंटरेस्टिंगली लोगे तो नथिंग, मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है. तो कैसे हो? आई होप यू फाइन, आई होप यू आल इंजॉइंग कर्फ्यू एंड लॉकडाउन बिकॉज कर्फ्यू एंड लॉकडाउन इज़ गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ अ कोरोना वायरस. तो घर में रहिए, अपनी स्टडी जारी रखिए, ऑनलाइन स्टडी पढ़ें, फिज़िक्स वाला से अलग पांडा से फिज़िक्स पढ़ें. अलग पांडा उसको देखकर ही मैंने अपना चैनल बनाया है. मैथमेटिक्स वाला नेम भी थोड़ा सा सिमिलरिटी रखता है. इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही अच्छे लेक्चर्स देता रहूँगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देता रहूँगा. पहले हमने पढ़ी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटी, जिसमें इनइक्वलिटी मतलब उसमें इक्वलिटी की साइन हो ही ना. इनइक्वलिटी या तो लेस देन हो, या तो ग्रेटर देन हो, या तो डज नॉट इक्वल टू हो, या लेस देन या ग्रेटर देन, विच इम्प्लाइज द इनइक्वलिटी ऑफ अ नंबर सिस्टम. मतलब उसमें इक्वलिटी की साइन नहीं हो. तो लेट्स कम टू अंडरस्टैंड दी न्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स. पहले इनको समझने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप नए हो तो प्लीज़ प्रेस सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन आइकॉन, बेल आइकॉन टू लेट फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट वीडियोस. लेट्स कम टू अंडरस्टैंड दी, बिना वक्त ज़ाया किए हम अपने टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं. तो प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर, नंबर फर्स्ट इनइक्वलिटी की ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इज इक्वल टू बी है. अगर ए इज इक्वल टू बी है, या तो वो ए ग्रेटर देन बी, या तो ए लेस देन बी होगा. ओके, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, ना ही डीप में एप्टीट्यूड इक्वेट वाले जाते हैं, ना ही इसमें से कोई मुश्किल से MCQs आते हैं. सिंपली यही आपको एक एक्सप्रेशन देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है. या तो इस जगह पर आपको वो ये भी दे सकते हैं, वन इज़ इक्वल टू वन, वन इज़ इक्वल टू टू, एंड वन ग्रेटर देन टू, एंड टू लेस देन वन. यही देंगे, कुछ ऐसा ही देंगे और आपसे पूछेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी. ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी इसी को बोलते हैं. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पहले भी हमने समझा था, मतलब ट्रांसफ़र किसी नंबर का होना. फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, देन विच इम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर देन सी. इसको हम एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं. मैं अगर यहाँ पर बोलूँ कि ये एक लाइन इस लाइन से बड़ी है, ओके, ये लाइन इस लाइन से छोटी है और ये लाइन इस लाइन से छोटी है, तो अगर मैं बीच वाली मिटा दूँ तो ये लाइन इस लाइन से छोटी है. सिंपली यही है. अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो सिंपली ए सी से बड़ा है. और इसमें दूसरा, अगर ये ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो सिंपली ए छोटा है सी से. यही कॉन्सेप्ट था. अगर ये लाइन इस लाइन से बड़ी है और ये लाइन इस लाइन से बड़ी है तो ये लाइन इस लाइन से छोटी है, इससे भी छोटी है, इससे भी छोटी है. अगर बीच वाली हटाने कोई फ़र्क पड़ेगा तो मतलब ये इससे छोटी है. तो यही कॉन्सेप्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का. उसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी. एडिटिव प्रॉपर्टी सिंपली कोई नंबर ऐड करना. ये देखो यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन की साइंस आ रही हैं, बिकॉज हम इनइक्वलिटीज की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, इक्वलिटीज़ की नहीं पढ़ रहे. ए ग्रेटर देन बी विच इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी. समझो, टू ग्रेटर देन वन विच इम्प्लाइज दैट, हमने सी सपोज ले लिया थ्री, हमने सी ले लिया, ओके, सी हमने क्या ले लिया थ्री, तो वो हम ऐड कर रहे हैं. टू प्लस थ्री विच इम्प्लाइज दैट वन प्लस थ्री फाइव ग्रेटर देन फोर. यही है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी. कोई कॉन्स्टेंट नंबर ऐड कर दें और वो उससे बड़ा आ जाए. यहाँ पर कोई आप सेम नंबर ले नहीं लोगे कि वन इज इक्वल टू वन, तो ये सेम आंसर आ जाएगा और यहाँ पर इक्वलिटी आ जाएगी, विच इज़ नॉट इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि हम इनइक्वलिटी पढ़ रहे हैं. उसके बाद है ए लेस देन बी विच इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी. ए यही ये सेम कहानी है. अगर वन दो से छोटा है तो हम इसमें कॉन्स्टेंट नंबर थ्री ही ऐड कर रहे हैं. वन प्लस थ्री विच इम्प्लाइज दैट टू प्लस थ्री इक्वल टू फोर लेस देन फाइव. तो क्या आ गया, फोर लेस देन फाइव विच इम्प्लाइज दैट फोर लेस देन फाइव, फोर फाइव से छोटा है. यही है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी का दूसरा केस. उसके बाद जो चौथा और जो दो केसेस हैं वो हैं ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी.
देन विच इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस डी। ये कैसे हुआ? सपोज हमने ए की जगह 2 लिया, बी की जगह 1 लिया और सी की जगह 4 लिया, डी की जगह 3 लिया, विच इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी, तो ए प्लस सी कितना हो गया? 6 हो गया, 4 प्लस 2 6 हो गया, विच इज ग्रेटर देन बी प्लस डी, तो बी हमारे पास 1 है और ये 3 है, तो हो गया 6 4 से बड़ा है, 6 4 से बड़ा है। यही कॉन्सेप्ट है इसका। बाकी लास्ट केस रहता है वो हम पढ़ेंगे। ओके, यही भी सेम है, ए लेस देन बी विच इम्प्लाइज और एंड सी लेस देन डी विच इम्प्लाइज दैट ए सी ग्रेटर देन बी डी। यही नंबर ले लें आप। ओके, मैं इधर मिटा कर दूसरा यहाँ पर लिख लेते हैं। सपोज आप यही नंबर ले लें, 1 2 1 लेस देन 2, ओके, एंड 3 लेस देन 4। तो जब हम ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास सी है, ओके, ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा लेस देन, अगर और बी और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? बी एंड डी, तो ये आ जाएगा 8, 3 लेस देन 8। यही सिंपल इसका कहानी, इसकी कहानी है। बाकी तीन बाकी एक प्रॉपर्टी रहती है, वो हम पढ़ेंगे, नोट कर लो उसको। वफा प्यार की। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। नंबर 4, 3 पहले हमने पढ़ी, अभी नंबर 4। इसमें कुछ केसेस हैं, ये आपको थोड़ा जहन लगाकर समझना पड़ेगा। ओके, लेट्स कम। फॉर ऑल बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब सी नेगेटिव नंबर नहीं पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। 1 2 3 4 जी। ओके, ए ग्रेटर देन बी विच इम्प्लाइज दैट ए सी ग्रेटर देन बी सी। सपोज करें हमने ए बी की जगह पर 2 1 ले लिया, ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास 1 है, ग्रेट ए 2 ग्रेटर देन 1 है, हमने कांस्टेंट नंबर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, कांस्टेंट नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, सी ग्रेटर देन 0 मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सपोज करो हमने ले लिया 2 ले लिया, तो जब हमने 2 2 into 2 लिया ग्रेटर देन 2 into 1 विच इम्प्लाइज दैट 4 greater than 2। ओके, फॉर 4 greater than 2 यही है इसका जो दूसरा केस है, ए लेस देन बी विच इम्प्लाइज दैट ए सी लेस देन बी सी। सपोज करो हमने 1 less than 2 ले लिया और इसमें कांस्टेंट नंबर पॉजिटिव हो जो हो, हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए हमारे पास 1 है, तो सी हमने 2 ले लिया, ग्रेटर देन बी हमारे पास क्या है? बी हमारे पास 2 है और 2 सी भी हमारे पास 2 है, सी हमने 2 के इक्वल लिया है जो कि एक पॉजिटिव है जो कि ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2 less than 4। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई कि ए लेस देन बी इज इक्वल टू ए सी लेस देन बी सी। ऐसा एक्सप्रेशन आपको या ऐसे एमसीक्यू आपको एप्टीट्यूड या एकेडमी में दे सकते हैं। ओके, नंबर इसके जो इसका जो बी है, फॉर ऑल ए ग्रेटर देन बी, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, पर यहाँ पर सी नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव कोई, -1 -2 -3। ओके, तो ए ग्रेटर देन बी विच इम्प्लाइज दैट ए सी ग्रेटर ए सी लेस देन बी सी। ये कैसे हुआ? यहाँ पर ए बी से बड़ा है और यहाँ पर छोटा आ गया, ये कैसे हो गया? ये इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज कर लो हमने ए को 2 लिया और बी को 1 लिया, तो 2 ए से 2 1 से बड़ा है, विच इम्प्लाइज दैट हमने सी ए कोई भी नेगेटिव नंबर ले लिया, हमने सपोज करो -1 ले लिया जो लेस देन 0 हो, तो मतलब -1 -2 -3। ओके, अगर ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। ओके, नेगेटिव हमने नंबर ले लिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया ए इंटू सी मतलब 2 into -1 तो -2, 2 into -1 -2 एंड -1 into 1 -1 विच इम्प्लाइज दैट -2 less than -1। देखो ये हमने 0 1 2 3 -1 -2, तो पहले -1 आता है तो मतलब -1 बड़ा है और -2 छोटा है, तो -2 -1 से छोटा है। तो यही कॉन्सेप्ट था। उसके बाद जो उसका दूसरा केस है, ए लेस देन बी विच इम्प्लाइज दैट ए सी ग्रेटर देन बी सी। सपोज कर लो 2 less than 1 है। ओके, 2 less than 1 है, हमने इसमें सी मल्टीप्लाई कर दिया, सी हमने कोई नेगेटिव नंबर ले लिया, -2 ले लिया। ओके, विच इम्प्लाइज दैट ए इंटू 2 into -2 ग्रेटर देन, हमारे पास b क्या है? 1 है, 1 में हमने -2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना बन गया? -4 greater than -2 तो 2 into 1 तो -4
ग्रेटर देन माइनस टू माइनस फोर ग्रेटर देन माइनस, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर हम ए ले रहे हैं वन, जो कि टू से छोटा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करें किसी भी नेगेटिव नंबर से। वन को हमने सपोज कर लो, वन को हमने मल्टीप्लाई कर लिया माइनस सी, हमने माइनस टू ले लिया। ओके, और ग्रेटर देन माइनस टू इंटू सी, सी माइनस ये टू, ठीक है, और ये माइनस टू, ये बी है और ये सी है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया माइनस टू विच इज़ ग्रेटर देन माइनस फोर। जैसे कि हम नेगेटिव नेगेटिव वाले नंबर बनाएंगे तो पहले माइनस वन आएगा, फिर माइनस टू, फिर माइनस थ्री, फिर माइनस फोर। तो माइनस टू पहले आएगा तो मतलब माइनस टू माइनस फोर से बड़ा है। यही कुछ केसेस थे, बाकी कुछ रहते हैं वो भी मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। इसको नोट कर लें। नारे 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 नारे। ओके, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक। ओके, तो हमारा ये लास्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टीज़ का, इनइक्वलिटीज़ प्रॉपर्टीज़ का। तो लास्ट टॉपिक है यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी का, जो तीसरा केस है। हमने ए पढ़ा, बी पढ़ा। तो ए बी सी बिलोंग्स टू, ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आर ऑल पॉजिटिव। सारे पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए। ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी, विच इंप्लाई दैट ए सी ग्रेटर देन बी टी। वो कैसे, बी डी, वो कैसे। हमने ए को सपोज कर लिया टू, बी को सपोज कर लिया वन, सी को सपोज कर लिया फोर, डी को सपोज कर लिया थ्री। टू वन से बड़ा है, फोर थ्री से बड़ा है, तो ए सी ग्रेटर देन बी डी होगा। ए सी मतलब टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट आ जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन थ्री इंटू वन, क्योंकि थ्री हमारे पास डी है, और बी, बी इंटू डी, थ्री इंटू वन, एट ग्रेटर देन थ्री हो जाएगा। तो यही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, यही आपको यही पूछा जाएगा, इससे आगे और कुछ भी नहीं पूछेंगे। तो लास्ट ए, दूसरा कैसे, ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी, विच इंप्लाइज दैट ए सी लेस देन बी डी। हमने सपोज कर लिया कि वन हमारे पास ए है, बी हमारे पास टू है, सी हमारे पास थ्री है, डी हमारे पास फोर है। वन टू से छोटा है, थ्री फोर से छोटा है, तो ए सी छोटा होगा बी डी से। ए सी कौन सा है हमारे पास, वन और थ्री, तो थ्री विच इंप्लाइज दैट थ्री लेस देन बी डी। बी हमारे पास है टू और डी हमारे पास फोर है, तो फोर इज फोर, फोर इंटू टू एट हो जाएगा, तो थ्री एट से छोटा हो जाएगा। तो हमारे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ का जो भी सारा था, जो भी सारी प्रॉपर्टीज़ थी, हमने सारी की सारी चार लेक्चर्स में सारी की सारी पढ़ ली हैं। तो आप ये लेक्चर्स देखें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ओके, अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कीप सब्सक्राइब, कीप सपोर्ट मी, आई विल सपोर्ट यू बैक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मैथमेटिक्स वाला, और क्लिक ऑन बेल आइकॉन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको पुराने लेक्चर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स रख दिए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ओके डियर, अल्लाह हाफिज़, लव मैथमेटिक्स, बाय बाय।